नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू फ्रेश न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता है ये ट्रेन ज्ञान हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों हावड़ा से चेन्नई के बीच चलने वाली हावड़ा चेन्नई मेल, इसका ट्रेन नंबर है 12839 और 12840 इन रिवर्स डायरेक्शन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस ट्रेन की सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को फटाफट। तो बात करें हावड़ा चेन्नई मेल की, तो ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, एक डेली सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन है इंडियन रेलवे की, जो दो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हमारी मेन इंडिया की कोलकाता से चेन्नई को कनेक्ट करती है। ये जो ट्रेन है पहली बार चलाई गई थी 15 अगस्त 1990 के अंदर, और ये करीबन ट्रेन जो है करीबन 5 स्टेट्स कवर करती है। वेस्ट बंगाल से निकलती है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये होते हुए चेन्नई पहुँचती है। ये जो ट्रेन है इसकी जो रेक्स की मेंटेनेंस होती है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा की जाती है। चेन्नई हावड़ा मेल जो है करीबन 1663 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम लेती है 28 आवर 5 मिनट्स, और ये करीबन 33 स्टेशनों पर ट्रेन रुकती है। कोचिज़ की बात करें तो इसमें ICF CBC कपलिंग्स वाले रेक से कोचिज यूज़ होते हैं। अभी ICF CBC कपलिंग्स क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके भी वीडियो को देख सकते हैं, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। तो इसके अंदर एक फर्स्ट एसी कम सेकंड एसी क्लास का कोच यूज़ होता है, 2 सेकंड एसी के कोचिज होते हैं, 3 थर्ड एसी के, 11 स्लीपर क्लास, 1 पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध है, साथ साथ 3 जनरल अनरिजर्व्ड और 2 SLR के कोचिज भी उपलब्ध हैं। ये जो ट्रेन है अपने साथ एक और ट्रेन के रेक शेयर करती है, जो कि 12841 और 12842 कोरोमंडल एक्सप्रेस की। ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें इस ट्रेन की, तो इसकी एवरेज स्पीड चलती है 59 km/h। कहने को तो मेल है बट ये सुपर फास्ट मेल है इसलिए इसकी 59 km/h है, और मैक्सिमम जाती है 110 km/h तक। अब बात करें दोस्तों लोकोमोटिव की, तो ये हावड़ा से विशाखापट्टनम तक VSKP विशाखापट्टनम शेड का वेब 4 का लोको यूज़ होता है, WAP 4, और विशाखापट्टनम से चेन्नई तक RPM शेड का वेब 7 और ED शेड का वेब 4 या लालगुड़ा शेड का वेब 7 का लोको यूज़ होता है। रूट्स या हॉल्ट की बात करें इस ट्रेन की, मैं सारे हॉल्ट के नाम ना लेके मैं कुछ ही हॉल्ट के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर वो आपको पसंद नहीं आती, इसलिए मैं कम रूट्स के नाम ले रहा हूँ। और बहुत लोग की शिकायत रहती है कि आपने ये स्टेशन छोड़ दिया, आपने वो स्टेशन छोड़ दिया, तो एक्चुअली दोस्तों वीडियो ना लंबी हो इसलिए मैं कम स्टेशनों के ही नाम इस ट्रेन वीडियोज़ में लेता हूँ। तो ये हावड़ा से निकल के खड़गपुर इसका पहला स्टेशन पड़ता है, दूसरा बालेश्वर, तीसरा कटक, चौथा भुवनेश्वर, पाँचवा खुर्दा रोड, 6th विशाखापट्टनम, फिर सांबलकोट, एल्लोर, विजयवाड़ा, नेल्लोर, गुड्डोर और फिर चेन्नई सेंट्रल पहुंचती है। तो टाइमिंग्स की बात करें तो 12839 जो है हावड़ा से करीबन रात में 11:45 पर चलती है, और करीबन तीसरे दिन 3:50 पर सुबह चेन्नई सेंट्रल पहुंचती है। अब जो इसका नाम चेंज भी कर दिया स्टेशन का, तो 12840 जो रिवर्स डायरेक्शन में चलती है चेन्नई सेंट्रल से, वो भी सेम सुबह रात में 11:45 पर चलती है, और तीसरे दिन सुबह 4 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंचती है। अब इस ट्रेन की फेयर की बात करें हावड़ा से चेन्नई तक के लिए, तो अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रेवल करते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 665 रुपीज़, 3rd AC का किराया 1755 रुपीज़, 2nd AC का है 2555 रुपीज़, और 1st AC का है तो 4385 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ये पुराने आंकड़े हैं, अभी चेंजेस हुए हैं, इंडियन रेलवे ने बढ़ोतरी करी है किराए के अंदर, तो ये पुराने वाले हैं, नए वाले अभी नहीं किए हैं। तो आप एक बार आप IRCTC की साइट पर आप देख सकते हैं, और साथ साथ अगर आप टिकट करते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो आपको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको GST या कुछ ऐसे करके आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद है लाइक कमेंट और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।